स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे। How to convert ungrouped data into group data? हम कैसे ungrouped data को group data में convert करेंगे? Ungrouped data basically क्या होता है? Raw data है, उसको हम frequency distribution में convert करेंगे। तो अभी मैं आपके सामने एक raw data लेने लगा हूँ, एक ungrouped data लूंगा और different steps के जरिए अब हम उसको group data में यानी उसकी frequency बना देंगे। तो आइए अनग्रुप डाटा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाटा लेने लगा हूँ स्टूडेंट्स के मार्क्स, लाइक मैंने कोई 30 मार्क्स का एक टेस्ट लिया है और उस 30 मार्क्स में से स्टूडेंट्स के क्या क्या मार्क्स आए हैं वो हम लेने लगे हैं। आइए हम मार्क्स जो है स्टूडेंट्स के लेने लगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके मार्क्स यहाँ पे रैंडमली कुछ लिखने लगा हूँ। तो मैंने 30 मार्क्स का उनका टेस्ट लिया है स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें से बच्चों के अब जो मार्क्स आए हैं वो मैं लिखने लगा। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के 15 मार्क्स हैं, एक बच्चे के 20 हैं, एक बच्चे के 25 हैं, एक के 28 हैं और एक के 29 हैं। इस तरह अभी मैंने 5 बच्चों के लिख लिए, एक के 14 है, 9 है, एक बच्चे के 5 मार्क्स हैं, एक के 6 हैं, एक 17 है, इसी तरह 18 है, 21, 27, 30 एंड 15। तो ये बच्चों के मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 30। तो ये आपके सामने मैंने ये अपने मार्क्स लिख दिए हैं सारे, और कितने स्टूडेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 15 स्टूडेंट्स हैं जिनके ये मार्क्स आए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो 30 हैं और सबसे लोएस्ट मार्क्स इसमें बच्चे के कितने आए हैं 5 मार्क्स आए हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हमने सबसे पहला जो स्टेप निकालना है वो है रेंज। सबसे पहला काम आप निकालेंगे रेंज, ठीक है, ये पहला स्टेप है। रेंज कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू 30 है और मिनिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में इसमें 5 है, तो ये 25 जो है ये रेंज आ गई जी। स्टूडेंट यहाँ तक ऑब्वियसली आपको बात क्लियर होगी कि हमने इस डेटा में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दिया तो आपके पास रेंज आ गई है। xn स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, x0 स्टैंड्स फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ x। दूसरा स्टेप जो हम करेंगे डिजाइनिंग द क्लास, डिजाइनिंग द क्लास, हम क्लास को डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसका फार्मूला है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू साइज, ठीक है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, साइज पे भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर रेंज को साइज पे डिवाइड करेंगे तो आंसर नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएगा और अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर साइज आ जाएगा। नंबर ऑफ क्लासेस ये हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, वैसे इसका मैथमेटिकली एक स्टैटिस्टिकली टूल है, एक रूल है कि जी एक फार्मूला है, वो आपको फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल तो इसका फार्मूला है 1+3.3 log n, तो ये आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो आ जाएंगी। लेकिन इससे भी आसान फार्मूला अगर मैं बताऊँ, इससे भी आसान फार्मूला तो आप खुद से अज्यूम भी कर सकते हैं, अगर आप ये फार्मूला लगा के आंसर निकालें तो भी ठीक है कि n नंबर ऑफ वैल्यूज 15 है, 15 वैल्यूज का लॉग लेके 3.3 से मल्टीप्लाई करें और उसको 1 ऐड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएंगी। लेकिन इसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप 5 to 10 के बिटवीन कोई भी वैल्यू खुद से अज्यूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस 5 रख लें, 6 रख लें, 7 रख लें, 8 रख लें, 9 रख लें, 10 रख लें, ये एक एवरेज है, इसके दरमियान आप कोई सी भी क्लासेस अज्यूम कर सकते हैं खुद से, क्योंकि ये हमें खुद भी डिसाइड करना था कि हम नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनाएंगे। तो नॉर्मली मैं जो क्लासेस बनाता हूँ वो 6-7 के करीब अप्रोक्सीमेटली बनाता हूँ,
तो 5 भी क्लासेस बना सकते हैं। एनीवेज यहां पर अब आपकी रेंज आ गई है 25 और मैं नंबर ऑफ क्लासेस अज्यूम ना खुद से बनाना चाह रहा हूं, लेट हमने अज्यूम कर लिया कि हम 6 क्लासेस बनाएंगे। तो 25 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चे? 4.16। ये साइज जो है ये साइज ठीक नहीं है, पॉइंट्स में आगे हम इसको अप्रोक्सीमेटली आगे ले जाते हैं, इसको हम 5 कर लेते हैं, पूरा पूरा डिजिट कर लेते हैं। तो अब हमारी दो चीजें डिसाइड हो गई, नंबर ऑफ क्लासेस हमने खुद से डिसाइड कर ली अपनी मर्जी से, मैंने आपको बताया था कि 5 से 10 के दरमियान आप नंबर ऑफ क्लासेस खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो जब हमने 25 को 6 पे डिवाइड किया तो 4.16 आ गया और आंसर आपका, इसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया 5 पे, क्यों? क्योंकि पॉइंट में साइज ठीक नहीं है, क्लासेस फ्रीक्वेंसी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको 5 पे ले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें बड़ी आसानी से डिसाइड हो गई हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, आपने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपके सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है डेटा में? 5, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी 5 ही होगा। अगर आपकी लोएस्ट वैल्यू 6 है तो आप 6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक वैल्यू पीछे 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। बाद सबसे मिनिमम पॉइंट वही होगा जो आपकी लोएस्ट वैल्यू है डेटे में, 5 है तो 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू 7 होती तो आप फिर भी 5 से स्टार्ट कर सकते थे, नॉर्मली लोग कहते हैं कि 5 के टेबल से स्टार्ट करना चाहिए, डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं कि 5 के टेबल से स्टार्ट करना बेहतर है। एनीवेज ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप वहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू 5 है तो हम 5 से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर क्लास नंबर ऑफ क्लासेस, आपने कितनी नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो बनाई है इस क्वेश्चन के अंदर, आपने खुद से डिसाइड की है 6, ये हमने खुद डिसाइड किया है, और फार्मूले की मदद से फिर जो हमारे पास ये साइज आया है इसको क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास इंटरवल इसको साइज भी कहा जाता है, और ये 4.16 आया था इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने 5 कर लिया। आइए अब इन तीन पॉइंट्स की मदद से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपके सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बना देता हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहां तीन कॉलम्स बनाने हैं, क्लासेस, उसके बाद अगला कॉलम बनाएंगे आप टैली, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी का। अच्छा यहां पर खास बात आप देखिएगा जरा ध्यान से कि स्टार्टिंग पॉइंट आपने कहा था 5 से, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 5 से स्टार्ट करेंगे। फिर आपने कहा नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनाएंगे? 6, तो यहां पे 6 लाइंस लगा दें, 3, 4, 5, 6, ये मैंने 6 लाइंस लगा दी, ठीक है, ये 6 क्लासेस बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमने 5 से स्टार्ट करना है, और क्लास इंटरवल ये कितना हमने रखा है 5, आंसर तो 4.16 आया था, इसको अप्रोक्सीमेटली आगे कर दिया हमने 5 तक लेके, तो आप इसमें भी 5-5 का डिफरेंस ऐड कर दें, 5 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। ये देखिए मैंने 5 का क्लास इंटरवल इसमें ऐड कर दिया, इसमें फिर 5 ऐड करते हैं आंसर आ जाएगा 15, इसमें फिर 5 ऐड करते हैं आंसर आ जाएगा 20, फिर 5 ऐड करते हैं 25 और ये आंसर आ जाएगा 30। इसी तरह आप यहां पर आ जाए, इधर वैल्यू 10 है तो इधर एक वैल्यू कम आएगी, इधर 9 आएगी, ठीक है, इधर अगर 10 है तो एक वैल्यू कम आएगी, 9 आएगी। अब इसमें जैसे 5 का डिफरेंस लाया था, यहां पर भी क्लास इंटरवल 5 पे चलेगा, 9 and 5 14, 14 and 5 19, 19 and 5 24, 24 and 5 29, and 29 and 5 34। तो आपकी सबसे आखिरी वैल्यू 30 जो है, 30 जो है वो देखिए इस रेंज में आ रही है, हमें मजीद क्लासेस बनाने की जरूरत भी नहीं है, और हमारा जो पूरा सीक्वेंस है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब टैली निकालना है, ये बहुत आसान काम है। अब आप देखिए सबसे पहली वैल्यू 15 है, 15 इस रेंज में आ रही है, थर्ड रेंज में, यहाँ पर टैली निकाल लें, 20 इस रेंज में आएगी, 25, 28 इसी रेंज में आ जाएगी, 29, ठीक है, उसके बाद 14, 9, 5, 6, 5 पीसी में आएगा, 6 पीसी में आएगा, 17 जो है इस रेंज में आएगी आपकी, 18, 21, 27 एंड 30 एंड 15 इस रेंज में आ जाएगी।
ठीक हो गया। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, ये 3 है, ये 1 है, 4, 2, 4 एंड 1। अगर आप इसको चेक करना चाहें कि आपका आंसर ठीक है तो आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करें, ये नंबर ऑफ वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी, 15 वैल्यूज थी ये, तो ये इसका टोटल भी 15 आना चाहिए। 3 + 1 = 4, 8, 10, 14 एंड 15, इट मींस कि ये n है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई। मैं थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज करूंगा, 15 वैल्यूज थी, हमने सबसे पहले रेंज निकाली, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दिया, रेंज आ गई। डिजाइनिंग द क्लास रेंज हम पहले निकाल चुके हैं, 25 नंबर ऑफ क्लासेस हमने खुद से अज्यूम कर दी है, ये कितनी अज्यूम कर दी है, 5 से 10 के बिटवीन अज्यूम कर सकते हैं। तो 6 रख ली, 25 को 6 पे डिवाइड किया, 4.16 आया, पॉइंट्स का आंसर ठीक नहीं है, इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने आगे दे दिया 5 का दिया। तीन चीजें डिसाइड हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट सबसे छोटी वैल्यू रखते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस 6 हमने खुद से अज्यूम कर ली, क्लास इंटरवल आ गया अप्रोक्सीमेटली 5, क्लासेस बनाई सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया, क्लास इंटरवल अब हमने 6 क्लासेस बनानी थी, 6 मैंने यहाँ पे लाइंस लगा दी और 5-5 का क्लास इंटरवल इसमें भी ऐड कर दिया, यहाँ 10 है तो एक वैल्यू कम लिखेंगे यहाँ पर, और इसमें भी 5-5 का इंटरवल लगा दिया, और फिर यहाँ डाटे से टैली लगा कर इसकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर दी। आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।